सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेक माइंड वर्ड। दोस्तों, अगर आपने जियो डबल धमाका रिचार्ज एडवांस में किया है और एडिशनल डेटा को करंट प्लान के साथ रिडीम कर लिया है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जिन लोगों ने एडिशनल डेटा वाउचर को रिडीम नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन लोगों ने अभी तक रिचार्ज नहीं किया है और जो लोग रिचार्ज कर चुके हैं और अभी तक एडिशनल डेटा को रिडीम नहीं किया है, वो जियो यूजर्स इस वीडियो को देखने के बाद ही रिचार्ज और एडिशनल डेटा को रिडीम करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में जियो डबल धमाका ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने जियो डबल धमाका रिचार्ज करके दिखाया था और जियो के सभी डबल धमाका प्लान्स और एडिशनल डेटा के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको जियो की वेबसाइट पर ले चलता हूँ और इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर बताया है, कोई भी एलिजिबल सब्सक्राइबर इस ऑफर के दौरान रिचार्ज करता है तो उसे 1.5 GB एडिशनल डेटा मिलेगा। रिचार्ज के 24 घंटे के भीतर एडिशनल डेटा वाउचर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको वाउचर रिडीम करना होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। आप जिस प्लान साइकिल में वाउचर रिडीम करेंगे, एडिशनल डेटा वाउचर भी उसी प्लान साइकिल तक काम करेगा। जैसे मान लो आज आप 25 जून को रिचार्ज करते हैं और आपका करंट प्लान 30 जून को एक्सपायर हो रहा है, आप एडिशनल डेटा को 25 जून से 30 जून के भीतर रिडीम कर लेते हैं तो आपका एडिशनल डेटा भी आपके करंट प्लान के साथ एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए आप अपने एडिशनल डेटा को न्यू प्लान एक्टिव होने पर ही रिडीम करें, तभी एडिशनल डेटा का पूरा फायदा ले पाएंगे। अगर आप क्रेडिट डेट से 90 दिनों के भीतर एडिशनल डेटा को रिडीम नहीं करते हैं तो 90 दिन बाद एडिशनल डेटा एक्सपायर हो जाएगा। डबल धमाका रिचार्ज 12 जून से 30 जून 2018 तक कभी भी कर सकते हैं। अब चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको 100 रुपये का कैशबैक कैसे मिलेगा। जैसा कि यहाँ मोबाइल स्क्रीन शॉट के द्वारा बताया गया है, आपको रिचार्ज पर क्लिक करना है, इसके बाद प्लान सेलेक्ट करके बाय पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे, 50 रुपये का डिस्काउंट वाउचर अप्लाइड हो जाएगा। 50 रुपये का कैशबैक आपको वाउचर से मिलेगा और 50 रुपये का कैशबैक फ़ोनपे से पेमेंट करने पर मिलेगा। फ़ोनपे कैशबैक उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम जियो का रिचार्ज फ़ोनपे से कर रहे हैं। इसका पेमेंट आप UPI ID, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस वॉलेट और क्रेडिट कार्ड प्लस वॉलेट से कर सकते हैं। जब आप फ़ोनपे से रिचार्ज करेंगे तब 50 रुपये आपके फ़ोनपे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो 100 रुपये का कैशबैक 50 रुपये जियो वाउचर से और 50 रुपये फ़ोनपे से मिलाकर मिलेगा। अब चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि एडिशनल डेटा को कैसे रिडीम करेंगे। माई वाउचर पर क्लिक करना है, इसके बाद रिडीम पर क्लिक करना है, इसके बाद आपसे रिडीम करने के लिए कन्फर्म किया जाएगा तो कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपका एडिशनल डेटा रिचार्ज हो जाएगा और फिर डन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।